इसे क्लिक करते ही आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है। आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, आपको कैसा व्यू देखना है, कैसा आपको गाड़ी दिखाना है, कैसा ब्राइटनेस वगैरह सब आप सेट कर सकते हैं। आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं सर आप अपना भाई। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ऑल न्यू ब्रेजा जेड एक्स आई प्लस, और ये रही अपनी गाड़ी। ये है अपनी ऑल न्यू ब्रेजा जेड एक्स आई प्लस, जो कि आपको आगे या पीछे देखने से पता नहीं चलेगा, वो आपको साइड लुक से पता चलेगा सिर्फ, वो भी उसके राय देख के। ये जेड एक्स आई प्लस है और इसमें आपको मिल जाते हैं डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ LED DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स, और जो कि आपको BMW से भी मिलते हैं, और दो स्क्वायरिस प्रोजेक्टर मिल जाते हैं आपको, और कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है जिसमें आपको थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, और बीच में बड़ा सा स्विच की का लोगो मिल जाता है, और ये कुछ ग्रेश टाइप का है थोड़ा कलर आपका इसमें, और नीचे आपको इसमें जो बम्पर मिलता है वाइट एंड ब्लैक मिलता है, आपको मैट ब्लैक कलर की फिनिश मिलेगी इसकी। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है बम्पर गार्ड, और कुछ सिल्वर टोन में मिल जाता है आपको नीचे लिप इसकी बम्पर लिप, और इसमें प्रोजेक्टर आपको फुल LED सेटअप मिलता है, और इसमें आपको प्रोजेक्टर भी रिफ्लेक्टर वाले LED आ जाते हैं, और इसमें काफ़ी एसेसरीज के पार्ट लगे हुए हैं। सो कुछ ऐसी विंडशील्ड मिलती है आपको, काफ़ी बड़ी विंडशील्ड है, और ये गाड़ी अभी 2 हफ्ते पहले की ही है। सो देख सकते हैं 2023 मॉडल है ये पूरा, और इसमें आपको साइड प्रोफाइल में मिल जाते हैं कुछ ऐसा लुक, और नई ब्रेजा काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, और काफ़ी ऊंची कर दी गई है, पहले से इसका हाइट बढ़ा दिया गया है, और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस तो सेम ही रखा गया है, बस हाइट इसकी बढ़ा दी गई है, और व्हील बेस भी शायद बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। सो कुछ ऐसी लुक आती है साइड से, इसमें आपको दोनों साइड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ऑटो डोर ऑटो अनलॉक का फंक्शन, और ये आपकी कीलेस एंट्री की स्विच मिल जाते हैं दोनों साइड आपको, पैसेंजर साइड भी मिलता है और ड्राइवर साइड भी, और ये सारा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है आपको ऑल ओवर द बॉडी रनिंग। ये आपको जेड एक्स आई प्लस में ही मिलता है, इसके नीचे वाले बैंड में मिलता, और ये रेन वाइजर आपके एसेसरीज के पार्ट हैं, और इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं RPM पे, और नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा ये आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आपके साइड के कैमरे हो गए, और इसमें फ्रंट का कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को, देख सकते हैं आप ये फ्रंट कैमरा, इसमें आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाई दिया गया है, और कुछ ऐसे अलॉय मिलते हैं आपको डुअल टोन में ब्लैक एंड सिल्वर टोन में, जो कि आपको क्रोम फिनिश हल्की सी लगेगी, और टायर सेक्शन इसका आपको मिलता है 215/60 R16 का, इसमें आपकी 16 इंच की आपकी अलॉय हो गई, और 215 सेक्शन इसकी मतलब आपकी विथ, और देख सकते हैं इसमें आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी कर दी गई है नई वाली ब्रेजा की, और टॉर्जन सस्पेंशन बीम दी गई है, और ऑल ओवर द बॉडी क्लैडिंग आपको रनिंग मिलेगी ये मैट ब्लैक कलर में, जो कि ये काफ़ी थोड़ा मुझे सही नहीं लगा क्योंकि इसकी धूल उल हटती नहीं है काफ़ी धोने के बाद भी, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एसीज का पार्ट है ये सिल्वर कलर में, और चलते हैं इसके बैक की ओर। सो कुछ ऐसा बैक प्रोफाइल मिलता है आपको जेड एक्स आई प्लस का, जो कि आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और इसकी ये सारा LED सेटअप कर दिया गया है, तो आपको ये जो ब्रेक लाइट मिलती हैं और पार्किंग लाइट ये सारे LEDs हैं, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलेंगे और बैक लाइट भी हेलोजन में मिलेगा आपको, और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर पीछे पूरा बम्पर ब्लैक दिया गया है विथ सिल्वर फिनिश, और ये फिर एक एक्सेसरीज का पार्ट ये लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और स्मार्ट हैबिट की बैजिंग, जो कि मतलब स्मार्ट हैबिट मैं आप जानती हैं कैसा है, बस ऑटो ऑन ऑफ का फीचर कुछ नहीं, स्मार्ट हैबिट बना दिया गया है, और यहाँ पे सुजुकी का लोगो, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, और यहाँ पे आपको मिल जाती है टेल लैंप और शार्पन एंटीना, और इसमें आपको सनरूफ भी आता है जो कि आपको अंदर से दिखाऊंगा मैं, और ये आपको मिल जाता है जरूर बैक कैमरा और नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाती है यहाँ पे, और इसका बूट काफ़ी अच्छा खासा है देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा बूट दिया गया है, और ये आपको मिल जाती है पार्सल ट्रे, और 60-40 स्पीड आपको सीट मिलती है इसमें दोनों, और इस पर देखते हैं इसका स्टेपनी टायर कितने सेक्शन का दिया गया है। सो आपको स्टील रिम मिलता है स्टेपनी पे, और ये आपको सेम सेक्शन दिया गया है 215/60 R16 का, तो इधर पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, और बाकी सारे इक्विपमेंट्स आपको इधर टायर खोलने बंद करने के, और ये भी एसेसरीज का पार्ट है ये जो आप देख रहे हैं। सो आप चलते हैं गाड़ी के अंदर की ओर। सो कुछ ऐसी की मिलती है इसमें आपको, और इसमें ये आपकी स्मार्ट की है, इसमें आपको सिर्फ दो ही बटन दी गई हैं लॉक अनलॉक, बाकी और कोई बटन नहीं दी गई, और यह है आपका कीलेस एंट्री की बटन, तो इसे ऐसे दबाते हैं और ऐसे चलते हैं अंदर। सो कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिया गया है इसका आपको, और ये है डैशबोर्ड की लुक देख सकते हैं आप डैशबोर्ड,
काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड कर दिया गया है। और ये है आपकी डोर की लुक, ड्राइवर साइड डोर की लुक। इसमें आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच देखने को मिल सकता है, फैब्रिक आपको ब्राउन कलर का दिया गया है। इधर आपको सिल्वर फिनिश में ये रनिंग दी गई है लाइन, और आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और 1 लीटर बॉटल होल्डर और कुछ मैप पॉकेट्स। इधर आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, और इसमें आपको आर्केमिस के साउंड देखने को मिलते हैं। 4 स्पीकर आपको डोर पे दिए गए हैं और 2 ट्विटर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सो आइए आप ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। इग्निशन ऑन, और इसमें आपको बताना भूल गया मैं, इधर आपको फोल्ड अनफोल्ड मिरर मिलते हैं जिसमें आपको अंदर से फोल्ड कर सकते हैं और अनफोल्ड कर सकते हैं, और इधर रोटेटरी स्विचेस का देख सकते हैं। और ये लॉक अनलॉक में भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, जरा सही प्लस में, बाकी नीचे वाले बटन नहीं होते। सो ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलता है आपको, ऐसा कुछ इसका UI दिया गया है डैशबोर्ड का। सो अभी मेरा फोन कनेक्ट है तो मैं इसे पहले तो AC डाउन कर लेता हूँ, आवाज़ आपकी क्लियर आ जाएगी। और देख सकते हैं कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस साइड आपको मिल जाता है RPM मीटर, इस साइड आपको स्पीडोमीटर, और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। और स्टेयरिंग व्हील भी कंट्रोल देख सकते हैं आपको, इधर म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है आपको, और कुछ कंट्रोल्स आपको इधर दिए गए हैं देख सकते हैं। इसमें 360 डिग्री व्यू के लिए ये दिया गया है आपको, जैसे इसे हम दबाते ही हैं, इसे क्लिक करते ही आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाता है। आप इधर चेंज भी कर सकते हैं, आपको कैसा व्यू देखना है, कैसा आपको गाड़ी दिखाना है, कैसा ब्राइटनेस वैसा आप चेक कर सकते हैं। आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं, आप अपना भाई खड़ा हुआ अगर दिख रहा है आपको। सो इधर आपको HUD ऑप्शन मिल जाता है, इधर आप HUD ऑन कर सकते हैं, HUD प्रेस करते HUD आ जाती है इधर पे, और हेड अप डिस्प्ले, इधर ट्रैक्शन ऑन कंट्रोल के बटन, HUD कंट्रोल सारे, और इंस्ट्रूमेंट पिस्टन लाइट कंट्रोल, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने का फंक्शन, ये हाईलाइट लेवलर। और जैसे ही हम गाड़ी ऑन करते हैं, जैसे कि आपने देखा एक भी आवाज़ नहीं, बहुत साइलेंट है, और नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं गाड़ी के अंदर, बहुत साइलेंट पेट्रोल इंजन है। देख सकते हैं HUD आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ हेलो कर रही है गाड़ी, और ARPM आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। और इसमें आपको ऑटोमेटिक आयरन मिल जाता है, और हैंड रेस्ट का ऑप्शन आ जाता है इसमें आपको, और ये कुछ ये स्लाइडेबल हैंड रेस्ट है आपको यहाँ मिल जाता है। वो देख सकते हैं इसके नीचे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये आपका क्रोम टिप के साथ हैंड ब्रेक, 5 गियर बॉक्स विथ 1 रिवर्स। यहाँ आपको सबसे अच्छी बात मिल जाती है वायरलेस चार्जर, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर एक पेन ड्राइव लगाने के लिए जगह, इधर चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे चार्जर और पेन ड्राइव दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये वायरलेस चार्जर है ही आपका। ऑटोमेटिक AC का ऑप्शन मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छा यूनिट दिया गया है AC वाला, ये हैजार्ड स्विच। और ग्लोव बॉक्स आपको काफ़ी डिसेंट साइज़ का मिल जाता है, और ये आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंट दिया हुआ है कूल्ड ग्लोव बॉक्स का। और ये साइड AC वेंट्स, और यहाँ आपको ब्राउन टेक्सचर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और सिल्वर लाइन ऑल ओवर द डैशबोर्ड आपको रनिंग मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी अच्छा बना दिया है गाड़ी को। और ऊपर देख सकते हैं आपको 2 आपको रीडिंग लाइट मिल जाती हैं, यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है, सनग्लास होल्डर, और ये आपको है सनरूफ का स्विच, देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी डिसेंट साइज़ का सनरूफ मिल जाता है। और ये मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी इसमें सनरूफ आता है, अब तो ग्रैंड विटारा में देने लगे हैं, बट ये पहली गाड़ी थी उनकी। और यहाँ आपको फोल्ड अनफोल्ड करने वाले ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसी सीट्स मिलती हैं फैब्रिक की आपको इसमें सीट मिल जाती हैं, और ये इसके सीट कवर्स, इसमें ऐसे सीट कवर्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें आपको 6 एयर बैग दिए गए हैं जिसकी वजह से एयर बैग खुल जाएँ, इसलिए आपको ऐसे सीट कवर लगाने पड़ेंगे, फुल सीट कवर नहीं लगा पाएंगे आप। और आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है सिर्फ ड्राइवर साइड। और चलते हैं बैक डोर की ओर, और कुछ बैक डोर का लुक ऐसा है, इसमें आपको पावर विंडो स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स, डोर पॉकेट। और इसमें सबसे एक अच्छी खास बात है, इसमें आपको एम्बिएंट लाइट बाहर से इंस्टॉल नहीं करानी पड़ेगी, इसमें आपको पहले से मिलती है, देख सकते हैं इधर चारों डोर में आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी इधर पे। सो ये दिख रही होगी नीचे से, आपको रात में काफ़ी अच्छी लगेगी ये, बट आप इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लू ही चलेगी। और कुछ ऐसी बैक सीट देख सकते हैं आपको, बीच में आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है विथ 2 कप होल्डर्स, और एडजस्टेबल हेड रेस्ट के साथ 60-40 स्पीड फंक्शन। और पीछे रियर AC वेंट्स देख सकते हैं, और 2 आपको सी टाइप चार्जर मिल जाते हैं इधर पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और लेग रूम काफ़ी सफिशिएंट दिया गया है, वैसे काफ़ी अच्छा है गाड़ी के हिसाब से। और चलते हैं अब इसके बोनट की ओर, आपको इंजन भी दिखाते हैं कैसा इंजन का है। इधर आपका फ्यूल लिड ओपनर, और ये आपका बोनट। सो आप चलते हैं इसके बोनट की ओर, बोनट खोलते हैं और देखते हैं इसका इंजन कैसा है। सो ये खुलेगा अपना यहाँ से,
तो ये कुछ ऐसा इंजन पे है। इसमें आपको नॉइज कैंसलेशन के लिए इधर पैड दिया गया है और काफ़ी अच्छा इंजन पे है। इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 103 bhp एंड 137 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि काफ़ी रिफाइंड इंजन है और काफ़ी साइलेंट इंजन है। हालांकि पावर इतना आपको जनरेट नहीं करके देगा कि मतलब एग्जैक्ट पिकअप कैसे आएगा, बाकी इंजन काफ़ी अच्छा है। ये आपको वॉशर मिल जाता है इधर पे, ये आपकी हेडलाइट यूनिट हो गई और कुछ ऐसा इंजन भी देख सकते हैं आपको, काफ़ी बड़ी बैटरी एक साइड की मिलती है इधर पे आपको। सो कुछ ये रहा गाड़ी का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाएं, और ऐसे ही वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिवेन सिंह चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।